मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र में एक युवक की दबंगई का वीडियो सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। बोतल में पेट्रोल ना दिए जाने से नाराज युवक दूसरे पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा और एक पंप कर्मी पर छिड़कने लगा। पंप कर्मियों ने जब युवक का विरोध किया तो युवक ने पंप कर्मी को आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पंप कर्मियों और लोगों ने किसी तरह युवक को काबू में किया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस युवक को बोतल में पेट्रोल देने वाले दूसरे पंप की भी जांच का दावा कर रही है। जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कांट रोड से शरीफ साई फिलिंग स्टेशन पर हुई एक घटना का वीडियो सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए वीडियो में एक युवक बोतल में लाया गया पेट्रोल एक पंप कर्मी पर छिड़कता नजर आ रहा है। पंप कर्मियों का विरोध करने के बाद युवक पेट्रोल से भीगे पंप कर्मी को आग लगाने की धमकी देता है। पेट्रोल पंप मैनेजर के मुताबिक आज सुबह दानिश नाम का युवक पंप पर पहुंचा और बोतल में पेट्रोल देने का दबाव बनाने लगा। पंप कर्मियों ने जब बोतल में पेट्रोल देने से इनकार किया तो दानिश वहां से चला गया। 10 मिनट के बाद वापस लौटे आरोपी दानिश ने पेट्रोल पंप कर्मी से पहले बहस की और फिर दूसरे पंप से बोतल में लाया गया पेट्रोल उस पर छिड़क दिया। पंप कर्मी पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आरोपी युवक कर्मियों और पेट्रोल पंप को आग लगाने की धमकी देने लगा। कर्मियों के मुताबिक युवक ने जेब से लाइटर निकालकर आग लगाने की कोशिश की लेकिन मौजूद लोगों ने किसी तरह से उसे काबू में कर लिया। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। पेट्रोल पंप मैनेजर की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी के मुताबिक युवक को जेल भेजा जा रहा है, साथ ही युवक को बोतल में पेट्रोल देने वाले पंप की भी जांच की जाएगी। मुरादाबाद से संवाददाता बाजीरेली की रिपोर्ट। सर, आज जो पेट्रोल पंप पे क्या मामला था पूरा और किस जो तेल लेने युवक आया था, क्या घटना हुई इसका? एक लड़का सुबह लगभग 10:15 बजे के आसपास पेट्रोल पंप पर आया और उसने बोतल में पेट्रोल पंप के लिए पेट्रोल देने के लिए कहा। पेट्रोल चूँकि बोतल में देना अलाउ नहीं है और वैसे भी एनआरसी वगैरह के झगड़े काफ़ी चल रहे हैं देश में, प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से बैन है वैसे भी। तो ये इस लड़के इसे लड़कों ने मना किया, लड़के को ये बाद में गाली गलौज करता हुआ कि सालो या तो बोतल में पेट्रोल दो, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूँगा, बहुत सारी गालियाँ दी। फिर कहीं चला गया, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद फिर वापस आया, तब इसके पास बोतल में पेट्रोल था और लड़कों को फिर दिखा के उनसे फिर से गाली गलौज करने लगा। बोले लो सालो, अगर आपने नहीं दिया तो क्या तेल नहीं मिलेगा और मैं अब आप ही के ऊपर से छिड़क के आग लगाऊंगा। लड़के के ऊपर पूरी बोतल का ढक्कन खोल के पूरा पानी डाल के और उसमें लड़के में आग लगाने के लिए पेट्रोल पंप में दौड़ा। तब तक दूसरे दो तीन लड़कों ने आके इसे पीछे गोली भर के इसे गिरा के पीछे ले गए। तो क्या युवक पकड़ा गया था? हाँ, हाथ के हाथ मैं पुलिस को फ़ोन कर दिया था। हरतला चौकी से जो चौकी इंचार्ज और पुलिस आई थी वो उस लड़के को पकड़ के थाने ले गए थे। मेरे द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी कि इस तरह से घटना हुई है, साथ में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं जो यहाँ पेट्रोल पंप पे लगे हैं सीसीटीवी, उसके फुटेज भी हैं, वो मैं पुलिस को सौंप दिए हैं और लड़का भी साथ में एक तहरीर दी गई थी, शायद अब उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। क्या लगता है कि किसी पास के पेट्रोल पंप से लाया होगा? क्या लगता है कि जब इस तरीके का मतलब आदेश है उसके बावजूद भी वो पेट्रोल पंप वाले दे रहे हैं तो क्या ये है? तो नहीं कहा जा सकता किसी पेट्रोल पंप से लाया या अपनी बाइक से निकाल के लाया या कहीं और से मांग के लाया। मे भी हो सकता है किसी दूसरे पेट्रोल पंप वाले ने दे दिया हो बोतल में तेल, कुछ अपनी मजबूरी बताई हो या कुछ बताया हो तो, लेकिन ये तो कुछ कन्फर्म नहीं है कि लाया कहाँ से था। जब ये दोबारा आया था तो इसके पास बोतल में प्लास्टिक की बोतल में तेल था जो इस लड़के को डाला था, वो भी पुलिस को सौंप दी गई है। साथ में इसके हाथ में लाइटर था जिसे जला के पूरा उसमें आग लगाने का प्रयास कर रहा था कि मैं भी आग लगाऊंगा। इससे पुलिस ने जब मेरे सामने पूछताछ की तब भी उसने कहा था कि हाँ मैं आग लगाता हूँ, और आग लगाने का मतलब है 25 से 30 हज़ार लीटर पेट्रोल कम से कम एट ए टाइम पेट्रोल पंप के टैंकों में होता है, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था क्या नहीं। दोबारा तेल बोतल में ना दिए जाने पर उनके साथ जो है पेट्रोल पंप तेल लेकर आया, उसके बाद तेल छिड़का है, क्या है पूरा मामला? सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पे एक व्यक्ति खुली बोतल में पेट्रोल लेने आया था, वो पेट्रोल कर्मियों ने देने से मना कर दिया, इसी बात पे वाद विवाद हो गया, तो फिर वो बाद में किसी नेत्र स्थान से पेट्रोल भर के लाया था और उन पर छिड़कने की कोशिश की और उसके बाद वहाँ पर आसपास लोगों ने उसे पकड़ लिया और
इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, मुकदमा लिखकर इसके ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मानते हैं कि इसकी भी जांच की जाएगी जो अदर पेट्रोल पंप द्वारा या किस तरीके से क्या बोतल में तेल लिया गया, ये विवेचना में इसमें देखा जाएगा कि उसके पास किस तरह से पेट्रोल उससे मिला और आगे की कार्रवाई कौन करी जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।